जो आज व्हाट्सएप पे हिंदुत्व समझाया जा रहा है और जिस तरीके से सॉफ्ट और हार्ड का बताया जा रहा है, जहर जहर होता है साहब। सांप का बच्चा भी उतना ही जहर करता है जितना सांप का बूढ़ा जहर करता है। हिंदू शब्द जोड़ करके जो है आप एक धर्म को बदनाम मत कीजिए। कोई भी विचारधारा किसी भी धर्म का नाम लेकर के, किसी भी धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल करके अगर इंसान को आपस में लड़ाता है तो वह धार्मिक तो कतई नहीं है। आप बताइए कि मुस्लिम लीग कह रही थी हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हिंदू महासभा कह रही थी कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, दोनों मिलकर के सरकार कैसे बना लिए? इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करके हमारे वर्तमान का अपहरण किया जा रहा है और हमारे भविष्य को अंधेरे में डाला जा रहा है। राहुल जी अपनी यात्रा में मंदिर गए हैं, मठ गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, चर्च गए हैं, मस्जिद गए हैं। हम वो हर जगह जाएंगे जहां इंसान जाते हैं। हम फैक्ट्री में भी जाएंगे, स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, खेतों में भी जाते हैं। हमारे लिए वो हर जगह पवित्र है जहां इंसान को शांति मिलती है, जहां इंसान को उनके जीवन जीने का तत्व प्राप्त होता है, खाने की चीज़ मिलती है, जीविकोपार्जन होता है। हमारे लिए वो हर चीज़ पवित्र है। एक यात्री के नज़रिए से इस यात्रा को देखिए। हमारे लिए सड़क भी पवित्र है जिस पे हम रोज़ चलते हैं। ये जो नज़रिया है ना, ये नज़रिया हमारे दिमाग में फिट किया गया है कि हमको किसी के साथ जबरदस्ती, और मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुत्व ना कोई फेयर एंड लवली का क्रीम नहीं है कि सर्दी आएगी तुम होंठ में अलग लगाएंगे और पाँव में अलग लगाएंगे। हिंदुत्व एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। आप महाराष्ट्र के लोग हैं, यहीं सावरकर पैदा हुए, उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो आज व्हाट्सएप पे हिंदुत्व समझाया जा रहा है और जिस तरीके से सॉफ्ट और हार्ड का बताया जा रहा है, जहर जहर होता है साहब। सांप का बच्चा भी उतना ही जहर करता है जितना सांप का बूढ़ा जहर करता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी विचारधारा, और प्लीज हिंदू शब्द जोड़ करके जो है आप एक धर्म को बदनाम मत कीजिए। कोई भी विचारधारा किसी भी धर्म का नाम लेकर के, किसी भी धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल करके अगर इंसान को आपस में लड़ाता है तो वह धार्मिक तो कतई नहीं है। क्योंकि धर्म का एकमात्र उद्देश्य है मानव मात्र की मुक्ति, मानव मात्र को आपस में लड़ाना नहीं। और यही बात तो मैंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कही कि आप बताइए कि मुस्लिम लीग कह रही थी हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हिंदू महासभा कह रही थी कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, दोनों मिलकर के सरकार कैसे बना लिए? इस आधार पर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, दोनों का भाषण आप एक फ्रेम में सुनिए, आपको लगेगा कि ठीक बोले हैं प्रधानमंत्री जी। सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है, जहर तो बराबर है। सिर्फ अटायर का ही डिफरेंस है ना, जहर तो बराबर है। जला तो इंसान को बराबर रहा है, बांट तो इंसान को बराबर रहा है। इसमें हमको नहीं फंसना है। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, रोज हमारे पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। आप LIC का देखिए कि LIC का कितना बड़ा शेयर अदानी के पास है और वो दुनिया का जो है सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाला है। आपका धन है, आपकी संपत्ति है। LIC में किसका पैसा है? इस देश के आम लोगों का पैसा है। आपका पैसा लेकर के कोई अमीर बन रहा है और आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। उनका बच्चा BCCI का सेक्रेटरी बन रहा है और उनका नेता चुनाव में जाकर के परिवारवाद पे भाषण दे रहा है। इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है आंख के सामने, अगर उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब परसेप्शन का चश्मा लगा हुआ है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज रिमूव इट एंड ट्राई टू सी द ट्रूथ। इट इज नॉट अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट, इट इज अबाउट ट्रूथ, इट इज अबाउट रियलिटी। इमोशन बहुत बेसिक चीज होता है। अगर आप मनुष्य हैं तो आपकी ये बुनियादी पहचान है कि आपके भीतर इमोशन है। अगर इस यात्रा का इमोशनल इम्पैक्ट होगा ना, इलेक्शन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। देश ने कांग्रेस को अपनाया और कांग्रेस देश के भीतर है। देश कांग्रेस को अपना ले और देश को जिस तरह से कांग्रेस ने बनाया उसको देश याद कर ले, कांग्रेस का इलेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं होगा, ये प्रश्न ही जो है बचकानी बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बार 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 हम लोग इलेक्शन पहले रख रहे हैं। आप लोग भी सवाल को पूछ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बार 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 इमोशन को पहले रख रहा है। अभी यात्रा खत्म भी नहीं हुआ है, शादी भी नहीं हुई है और बच्चा का नाम पूछ रहे हैं आप। नहीं नहीं, बस प्रश्न समझ गया सर, इतना इतना हम भी समझते हैं। नहीं, यात्रा का 7 दिन हुआ है,
अब आप इम्पैक्ट पूछने लगे, मैंने शादी नहीं हुआ बच्चा का नाम पूछने लगे। नहीं, आपको नहीं लगता कि समय से पहले ये प्रश्न पूछा जा रहा है? सुन रहे हैं हम, सुन रहे हैं आपको। अरे हम सुन रहे हैं सर, हम 5 राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हाँ हाँ नहीं, बेनिफिट के लिए कांग्रेस को बेनिफिट नहीं चाहिए ना। कांग्रेस को बेनिफिट चाहिए होता तो यात्रा गुजरात में होती। ये प्रश्न आपकी घड़ी अटक गई है ना, हमारी घड़ी नहीं अटकी हुई है, हमारी घड़ी चल रही है, हम रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं, आपकी अटकी हुई है। आप भी सुबह आइएगा, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ चलने के लिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं 1500 किलोमीटर चल लिया हूँ, मैं 1500 किलोमीटर चला हूँ सर। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए, हम क्वेश्चन आपका डॉज नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको ये कह रहे हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे मत अटक जाइए। इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्टोरल नहीं है, इतना क्लियरली बोल रहे हैं। इम्पैक्ट का जहाँ तक सवाल होगा, अगर हम लोगों के इमोशन को जोड़ पाएंगे, जो इस यात्रा का लक्ष्य है, लोगों की भावनाओं, उम्मीदों और आशाओं को जोड़ना, तो स्वाभाविक रूप से वही लोग जाकर के वोट करेंगे ना। अगर इलेक्टोरल हमारा प्राइमरी एजेंडा होता, हम बार बार कह रहे हैं, तो इस इलेक्शन, इस यात्रा के रूट में हिमाचल और गुजरात होता। इस यात्रा का रूट दक्षिण से उत्तर की तरफ है, हम जबरदस्ती जो है महाराष्ट्र से अपना रूट घुमा करके गुजरात तो नहीं चले जा रहे हैं। और गुजरात का जहां तक चुनाव का सवाल है, गुजरात में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वहां जाकर के बात कर रहे हैं, उनको मालूम है कि कांग्रेस जो है जमीन पे बहुत मजबूती से लड़ रही है। वो एक बिल्कुल एक अलग अलहदा सवाल है। मैं बस ये आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उस सवाल को इस सवाल से जबरदस्ती बेमेल मैच कराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब अपने देश के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको ये याद रखना चाहिए कि इस यात्रा के ऊपर सबसे ज़्यादा जो बीजेपी कीचड़ उछाल रही है, उसमें एक धब्बा जो लगाने का वो प्रयास बार बार कर रही है कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, भारत को कांग्रेस ने विभाजित किया, ये झूठ वो बार बार बोल रहे हैं। आप मीडिया के साथी हैं, आपसे वो अक्सर अपने सवाल जवाब में ये बात कह रहे हैं, नहीं तो उनके पास व्हाट्सएप की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिस पे वो झूठ चलाते हैं। तो मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि जिन्ना की विभाजनकारी राजनीति के साथ आज जो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनकी विचारधारा से संबंधित संगठन हिंदू महासभा का गहरा संबंध था। आप जानते हैं कि 47 से पहले भी देश में चुनाव हुए थे, और उन चुनावों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिल करके सरकार बनाई थी। जबकि हकीकत क्या है, जिन्ना कहते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ जो हिंदू महासभा के नेता थे वो कहते थे हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। इसी बंटवारे ने, इसी नफरत की राजनीति ने देश को एक बार विभाजित कर चुका है। और आज जब हम 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो देश जमीन से जुड़ा हुआ है, जो देश ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है, वह देश इमोशनली भी जुड़ा रहे। जमीन के साथ साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी रहे, हमारी उम्मीदें भी जुड़ी रहे, हमारी आशाएं भी जुड़ी रहे। इस देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति हो, उसको कभी ये महसूस ना हो कि इस देश में उसके भविष्य की चिंता नहीं की जा रही है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि लगातार राजनीतिक विमर्श से, सामाजिक विमर्श से, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के बुनियादी सवाल गायब कर दिए गए हैं, और जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करके हमारे वर्तमान का अपहरण किया जा रहा है, और हमारे भविष्य को अंधेरे में डाला जा रहा है। इसी परिस्थिति को समझते हुए यह भारत जोड़ो यात्रा एक पवित्र उद्देश्य लेकर के चली है। यहाँ भी ऐसे नौजवान मिले जो NCC में थे या किसी प्राइवेट आर्मी एकेडमी में ट्रेनिंग लिए हैं, उनको लगता है कि उनको अब आर्मी में नौकरी नहीं मिल सकती है क्योंकि सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। और मेरी उस बात से वो सहमत होते हुए नजर आए कि आपके बच्चे की नौकरी की गारंटी नहीं है, और अमित शाह जी का बेटा BCCI का सेक्रेटरी बन गया है, और वो सेक्रेटरी बना रहे इसलिए कानून में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में खड़ा होकर के परिवारवाद पर भाषण देते हैं।
ये जो देश की गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा का एकमात्र लक्ष्य है कि अगर समाज में नफरत होगा, अगर समाज में डर होगा, अगर समाज में गुस्सा होगा, तो समाज के लोग आपस में लड़ेंगे। समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के गरीबी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, छुआछूत के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, महंगाई के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन समाज अगर पहचान के आधार पर एक दूसरे से लड़ता रहेगा, अगर देश एकजुट नहीं होगा, तो फिर देश प्रगति कैसे करेगा।